हमारे पास ये वीवो का मॉडल है जिसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, इसका हम डिस्प्ले चेंज करेंगे। पहले इसका जो चार सिम कार्ड का स्लॉट है इसे निकालेंगे, उसके बाद साइडों से इसके बैक ढक्कन को रिमूव करेंगे और सेपरेटर को थोड़ा हीट करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं चाहिए क्योंकि हमारा डिस्प्ले पहले ही डैमेज है। जहाँ जहाँ ऊपर ये इसके स्विच आते हैं वहाँ से नहीं हमने इसमें अंदर टूल को डालना, वरना इसका जो बटन है वो टूट जाते हैं। इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता है पहले उतारेंगे, इसे रिमूव करेंगे। अब इसके सारे स्क्रू निकालेंगे, शील्ड को उतारेंगे, इसका पहले ऑन ऑफ स्विच उतारेंगे, फिर बैटरी को उतारेंगे, बैटरी को साइड से पकड़ के खींचेंगे, हमारी बैटरी लग चुकी है, सीधा करेंगे इसे। करते हैं हमारा बोर्ड जो है चल पड़ा है, टच को थोड़ा चेक करेंगे, टच ओके है, वर्किंग कंडीशन में है मोबाइल। अब इसे हम फिट करेंगे मोबाइल में, काम जो ग्लू है वो क्लीन करेंगे स्क्रीन का, और थोड़ा सा पेलकॉन से साफ करेंगे। पहले हम इसे बैठा कर देखेंगे बैठ रहा है कि नहीं, जी हमारा पाउडर बैठ रहा है प्रॉपर। इसमें हमने ग्लू को फ्रेम पर ऊपर ऊपर ही लगाना है जितना कोशिश हो सके, ताकि बाई चांस इसका कभी ग्लास टूटे तो वो ग्लास चेंज करा सके। अगर हम इसके नीचे बैक ग्लू लगा देंगे तो उसकी बैक लाइट ख़राब हो जाती है। इसमें हम फोल्डर बैठाएंगे, फोल्डर बैठाने के लिए पहले इसका पत्ता अंदर करेंगे और पहले नीचे से फोल्डर बैठाएंगे, ऐसे दबा कर नीचे को स्लाइड कर कर फोल्डर लाएंगे जिससे हमारा पत्ता कहीं ना फंसे। सभी लगाएंगे इसके फिंगर के ऊपर का पत्ता लगाएंगे इसका,